ये तो आपको पता ही होगा कि जाते जाते ये जो मखलूत हुकूमत है पीडीएम की पार्टीज की, इन्होंने लेजिस्लेशन की लाइन लगा दी है। यानी एक एक दिन में कई कई कानून पास किए जा रहे हैं, और बहुत से तजियाकारों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी एक सिक्योरिटी स्टेट है, इन नए कानून से पाकिस्तान के निजाम पर अनइलेक्टेड फोर्सेज के पंजे और मजबूती से गढ़ जाएंगे। इसी हवाले से किसी ने कॉमेंट किया है कि मखलूत हुकूमत मखबूत क्यों हो गई है, ये मखबूतुल हवास वाला मखबूत है। आगे फरमाते हैं कि क्यों हर सियासी और पार्लियामानी रवायत को रौंद कर एक से एक मुतनाज़ कानून पास करने पर मुसर है, यानी ये जो मखलूत हुकूमत है उसकी बात करें। फिर कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ, मरियम शहबाज और आसफ जरदारी ने इमरान और अपने तजर्बात से कुछ नहीं सीखा? कल कानून यही होंगे मगर गर्दन दूसरी होगी, फिर किस मुंह से शिकायत करेंगे? क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किस जर्नलिस्ट ने यह कॉमेंट किया होगा? यह है तलत हुसैन, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि पीटीए के किसी भी सपोर्टर के जहन में इनका नाम नहीं आया होगा। लेकिन देखें, जैसे जैसे हुकूमत जाने वाली है और इलेक्शंस के कुछ इम्कान पैदा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे।